दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं? बहुत अच्छा। सोच कर कुछ लोग तो खुश होंगे, कुछ जल रहे होंगे। बोलेंगे बताओ कोई बात है, एक लाख का आदमी है उसे भी इतने लोग उठा रहे हैं, हमें तो बदन लेके घूमने पे पूछ ही नहीं रहा। बात सही है, जो मैंने किया वो तुम कर दो, तुम्हें भी उठा लेंगे। फूल बोल रहा है कितना लोगों को ऐसा तो नहीं पानी हो गया वो पक्का है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो दो मिनट पर्चा देके बताऊंगा मेरे इस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले मैं क्या था और इस बिजनेस में आने के बाद जो है क्या फायदा हुआ मुझे और क्या क्या मेरी जिंदगी में बदलाव आया है, ये चीजें जान लें। कितने लोग जानना चाहते हैं? पांच ही मिनट दिए गुरु जी ने और पांच मिनट में बात खत्म करनी है। बात सही है। तो कुछ भी नाम दीपक वशिष्ठ है और जब मैं इस बिजनेस में आया था तो पढ़ाई करते हुए आया था इंजीनियरिंग की, और जिनकी वजह से आया सबसे पहले तो जिनकी वजह से आया और जिन लोगों की वजह से यहाँ पहुँचा उनका सबसे बड़ा रोल है। क्या आप जानना चाहते हैं उन लोगों के बारे में? क्योंकि जब उन लोगों की वजह से मैं यहाँ पहुँच सकता हूँ तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जो लोग मेरे सीनियर हैं, जो मेरे अप्लाई हैं इस बिजनेस में, जो मेरे मेंटर्स हैं, मार्गदर्शक हैं, उन्हीं लोगों की छत्रछाया में आप लोगों को। बात सही है। तो जब मेरी जिंदगी में बदलाव आ सकता है तो आपकी में भी सकता है। बात सही है। तो जिनकी वजह से आया था वो मेरे साथ एक फ्रेंड थे और जनरली उनकी माध्यम से मैंने प्लान देखा था, लेकिन उस टाइम पे मैं जुड़ा नहीं और जुड़ने के बाद एक और आए जानने वाले सर थे ही थे और वो जहाँ मैं रहता था मथुरा में रह के मैं पढ़ाई कर रहा था जब, तो वहाँ जैसे आप लोगों ने अक्सर देखा होगा नौकरियाँ ही नौकरियाँ का एक बोर्ड लगा रहता है ना बहुत सारी जगह, तो अपन पढ़ाई कर रहे थे, मैं कहला चलो खाली बैठे कोई काम धंधा तो है नहीं, नौकरियाँ ही नौकरियाँ वालों से मुड़ मार लें। तो ऐसे में चला गया, वो गली में ही थे। अब मैंने प्लान पहले ही देख लिया था तो उन्होंने क्या है जो है अब क्या है सेफशॉप वाले तो पूरे एक्सपर्ट होते हैं, तो उन्होंने क्या बोला देखो नौकरी वोकरी तो है नहीं आपके लिए, लेकिन हमारे पास एक काम है जिससे आप पैसा अच्छा कमा सकते हैं। मैंने चलो बता दो, तो उन्होंने क्या लैपटॉप खोला और लैपटॉप खोलने के बाद क्या निकलता है एक राहत कामयाबी की सेफशॉप है, ऐसे निकलता है ना। तो उन्होंने खोला मेरे के साथ, बस यही बंद कर लो आप, यही बात नहीं बनेगी। बोला भाई साहब बात क्या है, मैं इस प्लान को मैं आगरा में समझ के आया था और कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बहकाते रहते हैं। तो उस टाइम पे तो उन्होंने जो है बोला अरे बात तो बताओ क्या है, मैं कि चलो आप ये कह रहे हो कि सब लाखों आते हैं तो ये बताओ कि मैंने पूछा उनसे, मैं कि ये बताओ पैसा कहाँ से देती है आप लाखों की बात कर रहे हैं। अब मुझे क्या पता था इन लोगों को पता होता है सब, पता ही नहीं पता है। मैं अपने आप को बड़ा श्याणा समझ रहा था कि इनको तो पता ही नहीं होगी मैंने तो ऐसा सवाल किया है। तो उन्होंने जो दो मिनट भी नहीं लगाई और उसी सवाल की वजह से मेरा डिसीजन अटका पड़ा था और वो क्लियर किया मेरे सर ब्लॉक के धरे फार्म कैसे पेमेंट करना है, और मैंने दो आईडी उनसे तभी ज्वाइन किया, मैंने और मेरा छोटा भाई है उसकी भी आईडी लगा दी थी, और वो कोई और नहीं, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं जिनकी वजह से मैं बिजनेस में आया। हमारे वैसे बहुत ही बड़े ग्रेट मेंटर हैं और मैं बोलूं तो गुरु जी के भी मेंटर हैं, वो कोई और नहीं मिस्टर हरिंदर सिंह जो कि हमारे गुरु जी के भी सीनियर में आते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। लेकिन देखिए एक चीज है कि इस बिजनेस में कभी भी इंसान को तीन चीजें नहीं भूलनी चाहिए जो कि बहुत सारे लोग भूलते हैं, और हमेशा मैंने समझी है कि जो जन्म देने वाला और जो पालने वाला और जहाँ के आप जो जन्म भूमि है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। बात सही है। और लोग इन्हीं चीजों को भूलते हैं और कहीं ना कहीं उसी की वजह से मात खाते हैं, लेकिन दोस्त बताते हैं खुशी है जो लेके आए उनका बहुत बड़ा सुख
शुक्रगुजार हूं, लेकिन जिन्होंने यहां तक पहुंचाया सबसे बड़ा रोल उनका भी है, क्योंकि अगर वो नहीं होते, उन्होंने कदम कदम पर संभाला नहीं होता, गाइडेंस नहीं दिया होता, तो क्या मैं यहां होता? नो। क्या मैं होता? नो। ऊपर वाले का तो धन्यवाद सब देते ही हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने तो पैदा कर दिए, माँ बाप ने पैदा कर दिए, लेकिन वहां से आने के बाद भी कर्मों के हिसाब से लोगों का चुनाव होता है, बात सही है? Yes. जैसे आपके कर्म रहे होते हैं वैसे ही लोग आपकी जिंदगी में आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बात सही है? Yes. और थैंक्स गॉड शायद कोई कर्म अच्छा रहा होगा और जिनकी वजह से मुझे यहां तक पहुंचाने वाले, और जब मैं काम कर रहा था काम नहीं हो रहा था, और जिन्होंने मुझे संभाला, और मैं बताना चाहूंगा वो कोई और नहीं, हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग उनका रहा है, बहुत बड़ा योगदान मेरी सफलता में है, वो कोई और नहीं, महागुरु शैलेंद्र सिंह चौधरी सर। और एक्चुअली काम गुरुजी की आने की फुल टाइम आने की वजह से चला है, उससे पहले तो रगड़ रहे थे, समझ रहे हैं? जैसे धक्का प्लेट गाड़ी होती है वैसे धक्का प्लेट चल रही थी, लेकिन गाड़ी में जो सही तरीके से उसकी इंजन की रिपेयरिंग करा के और पूरा स्पीड पकड़ने वाला जो काम हुआ है, वो गुरुजी के जिस दिन से फुल टाइम आए इंडियन आर्मी से, उस दिन के बाद से स्पीड मैं आपको बता नहीं सकता कितनी एक्सीलेंट तरीके से मेरी बढ़ी है, बहुत ही एक्सीलेंट स्पीड। तो मैं चाहूंगा गुरुजी के लिए और इसी आगे बात यही नहीं थमती, लेकिन एक मेंटर और है मेरे बहुत दमदार, क्या बताऊं उनकी तो बात अलग है, उनको मैं देख के मोटिवेट हो जाता हूं। हां जी, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। तो वो कोई और नहीं, मैं बड़ी गलती करता रहता था और वो बड़े लंच लगाते थे रोज में, प्यार से तो बहुतों को समझाया जाता है, मतलब मुझे तो बांध के भी, कितने लोग हैं जिनको अपने बांध के भी डालते, कितने लोग हैं किसी के साथ ऐसा किया किसी के सिंगल ने उसे बांध के डाल दिया वो गलती करने की वजह से, मुझे तो ऐसे साथ मेरे साथ भी किया, नहीं मैं कन्वर बहुत करता था लफड़े वाली है ना, लेकिन थैंक्स गॉड लफड़े की वजह से कभी इन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, कभी ऐसे नहीं बोला कि ये लफड़ेबाजी करता है और इसे साइड कर दो, मैं चाहूंगा या तो मेरे अपलाइन इतने समझदार थे जो मेरी गलतियों को माफ कर देते थे, और उनकी इस प्यार की वजह से और ऐसी दया की वजह से मैं यहां तक पहुंचा, वो कोई और नहीं हमारे ग्रेट कमिंग मरकरी लीडर ग्रेट मेंटर महागुरु रणवीर सर चौधरी है, बात सही है? अभी इसी श्रृंखला में एक नाम और है जो मेरे ही नहीं आज लाखों लोगों के मेंटर्स हैं, लाखों लोगों के प्रेरणा के स्रोत हैं, और ऐसे लगता है कि मैंने चाहे कितने भी लफड़े करे और उन्होंने कोई बात अगर मुझे बोल दी दिमाग में फिट हो जाती है, मतलब पता नहीं ऐसे लगता है कि अब तो ये हो जाएगा, बात सही है? सही है? आप जानना चाहते हो कौन है? चाहते हैं? और अगर उन्होंने बोल दिया ये होना है, टाइम भले लग जाते, वो टाइम तो लग जाता है, ऐसा नहीं है कि कोई हथेली पर सरसों लेके कोई भी घूमे, बात सही है? लेकिन उन्होंने बोला और वो फिर हो जाता है, ये फैक्ट है, मैंने देखा है, मैंने उस चीज को एनालिसिस किया है, और वो कोई और नहीं, आज इनके नीचे सैकड़ों लोग डायमंड हैं, लोग कार खरीदने की सोचते हैं, उनके नीचे आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी लग्जरी कारें भी मेंटेन करते हैं, बात सही है? बहुत सारे लोग उनकी छत्र छाया में रहकर करोड़पति बने हैं, क्या आप जानना चाहते हो? और जिन्होंने बहुत ही जिस दिन से मैं जुड़ा हूं उस दिन से गुरुजी बिल्कुल टच में रख के ही काम किया है, और कुछ लोग सोचते हैं कि अपलाइन टच में रखे, लेकिन हमारा भी तो रोल होता है, हमें भी तो संपर्क में रहना चाहिए, सफलता कैसे चाहिए हमें चाहिए, जिंदगी कैसे बदलनी है, तो अपलाइन हमें गाइडेंस देगा, हमें लेना पड़ेगा, कुछ लोग सोचते हैं अपलाइन हमें कॉल कर ले या हमसे गाइडेंस ले ले, बात सही है? लेकिन मैं बताना चाहूंगा जिनकी वजह से बहुत बड़ा रोल बहुत बड़ा योगदान, और जहां भी जो है कोई भी मार्गदर्शन की बात आई हो, कहां भी कैसी भी जरूरत पड़ी, और उनकी वजह से आज यहां तक पहुंचा, ये रिकॉग्निशन ये सम्मान ये पैसे या जो भी यहां से मिल रहा है, इसमें बहुत बड़ा रोल किसी की लीडरशिप की वजह से मैं पहुंचा हूं, तो वो कोई और नहीं हमारे ग्रेट मेंटर, बहुत ही ग्रेट मेंटर क्राउन एमिस्टर लीडर महागुरु Yeah.
और इन लोगों के ये तीनों के तीनों मेंटर्स इन लोगों की छत्र छाया में इन लोगों के गाइडेंस में आज मैं यहां तक पहुंचा हूं। अपना रोल होता तो फिर पढ़ाई में पैसे क्यों खराब कर रहा था मैं, बात सही है यस या नो? तो इन लोगों की गाइडेंस में लीडरशिप में काम किया और आज यहां तक पहुंचा। अब बात करते हैं इस बिजनेस में कैसे आए, तो मैंने बताया सर लोगों की वजह से आए और फिर आगे जो संभालने का काम किया, जैसे कि देवकी ने पैदा किया कृष्ण जी को लेकिन पाला तो यशोदा ने, लेकिन क्या देवकी या यशोदा किसी का महत्व कम है क्या? महत्व किसी का कम नहीं है, बात सही है। उनका अपना महत्व है, इनका अपना महत्व है, बात सही है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? थोड़ा रिस्पॉन्स कर दो। तो इन लोगों की वजह से और मैं जो है सत्ता चला गया मथुरा में रहकर, जब काम कर रहा था शुरुआत में मेरे साथ काम हुआ नहीं और लोगों के पास जाता था बोलते थे तू हमें करोड़पति बनाएगा, पहले तू ही बन जाए, बच्चा पार्टी पता नहीं कहां कहां से चले आते। तो ऐसे किसी के पास जाता था टहला देता था। मैंने तो गुरु जी को भी बताया, एक बार मैं जयपुर चला गया, कोई डीएम था उसे प्लान दिखाने टाइगर के साथ चला गया, अब मुझे क्या पता था इसका इतना बड़ा लिंक है, और अपन तो ऐसे ही चले गए और उसे प्लान दिखाया, उसने तो बोला अभी पुलिस वालों को बुलाऊं इधर और यहाँ आ गया हमें भेकाने। मुझे मतलब ऐसे लगा मैं तुरंत निकला उसके घर से, मैं गुरु जी को कॉल लगा दी, याद होगी गुरु जी, तो मैं गुरु जी ऐसे भी होता है, तो गुरु जी बोले चिंता मत कर हमारे साथ भी हुआ था पहले, तेरे साथ हो रहा है तो सब डायमंड बन जाएगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है तो वो नेगेटिव होकर घर बैठते हैं, और कुछ के मेरे जैसे लोगों के साथ होता है तो सीधा अपलाइन को कॉल लगा के पूछते आपके साथ भी हुआ था, तो अपलाइन बोल देते हाँ हुआ था और डायमंड बन जाएगा। मतलब ठीक है फिर तो इनके साथ हुआ, अपने साथ हो रहा है, तो जब ये पहुंचे ऐसे लोगों को झेल के हम भी पहुंचेंगे, दिक्कत क्या? ज्ञानेंद्र प्रकाश जी बोले भाई देख तेरा काम वाम ज्यादा चल नहीं रहा है, तेरा चल सकता है तो ऐसा कर दिल्ली चला जा। अब कोई आदमी नौकरी नहीं कर रहा हो, खर्चा पानी ना हो, रहने का भी जुगाड़ ना हो है, और नौकरी कभी करी नहीं थी, तो इन्होंने बोला कि देख ले तुझे डायमंड वायमंड बनना है तो चले जा। मैं भी ठीक है गुरु जी जा रहा हूँ, बता कब जाना है, तो मैं तो लेके अपना बोरी बिस्तरा और पहुंच गया दिल्ली में, बात सही है। तो अभी लेकिन एक काम बहुत अच्छा हुआ कि मथुरा में काम नहीं चला, लेकिन एक काम अच्छा हुआ कि मैं सीखता रहा, लोग फ्राइडे और संडे में नहीं जाते, मेरा रिकॉर्ड है अब तक, मैंने कभी भी फ्राइडे की ट्रेनिंग और संडे के काम को मिस नहीं किया। अगर कोई सफलता का मत ये समझना चाहेंगे यहाँ तक कैसे पहुंचा, तो एक ही है कि मैंने सिस्टम ट्रेनिंग प्लान मीटिंग फंक्शन और अपलाइन की बात को नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से यहाँ पहुंचा हूँ, बात सही है। तो फिर मैं जो दिल्ली आ गया तो एक काम बढ़िया हुआ कि मैं सीखता रहा वहां पे मथुरा में, तो मेरे पास इस काम को करने की समझ आ गई थी कि कैसे काम किया जा सकता है, और मैं दिल्ली चला गया, उनके पास थी फेस वैल्यू, क्योंकि दिल्ली पुलिस में थे सामान्य जॉब थी उनकी फेस वैल्यू, और जब मेरी नॉलेज मिली तो ऐसा धुआंधार काम हुआ कि 1.5-2 साल में 400-500 लोगों की टीम बन गई, 1.5 से 2 साल के अंदर अंदर। लेकिन पंगा क्या है इस बिजनेस में छोटा सा, कि अभी क्या 2 लाख से पैसा आता है, क्योंकि निगम में लोगों को पैसा नहीं देती है कंपनी, बात सही है। तो एक साइड में तो काम चला लेकिन दूसरी में चला लेकिन उतनी स्पीड से नहीं चला, बात सही है। तो दूसरी के लिए गुरु जी ने बोला भाई ऐसा इधर तेरा काम हो गया, हम इधर देख लेंगे, तू अपना दूसरी लाइन दूसरी साइड कहीं देख ले। तो मैंने सोचा मैं गुड़गांव में नजदीक है, इधर रोकड़े वाले लोग हैं और लोग बोलते नहीं है, वैसे महंगा शहर है, पैसे वाले लोग रहते हैं, तो मैं चलो इधर ही जमाते हैं। तो मैं चला गया और जाने के बाद ना नौकरी ना खर्चा पानी कुछ नहीं, और उधर जाने के बाद मैंने जो है एक जॉब पकड़ी। वैसे बता देता हूँ सीक्रेट बात है, 15-20 दिन मैंने डिलीवरी में भी नौकरी करी, समझ रहे हो, हालांकि मैं चाहता तो जॉब बढ़िया मिल जाती क्योंकि मेरे पास डिग्री थी, लेकिन मुझे बढ़िया नौकरी थोड़ी करनी थी, मुझे बढ़िया बिजनेस करना था। क्या करना था? मुझे टीम बनाने गया था।